हेलो दोस्त वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज आज तुम लोग को पता है कि आप लोग का स्कूल में 12 अगस्त से लेकर 12 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक आप लोग को एग्ज़ाम हो जाना है सेंटअप एग्ज़ाम होना है तो कोई स्कूल में प्रारंभ हो गया है और जो स्कूल में प्रारंभ नहीं हुआ वो वह स्कूल में हो जाएगा तो आज किसी स्कूल में जो है ना आज सोशल साइंस और इंग्लिश दोनों का हो गया है कोई स्कूल में संस्कृत का हो गया है ठीक है ना तो हम सोशल साइंस का जो ठीक है सोल्यून दे दिए छत्तीस से दिए मेरे पास क्वेश्चन का जवाब ना हो पाया है क्योंकि यहाँ नहीं हो रहा है कैसे स्टूडेंट से मंगवाए हैं तो छत्तीस नंबर क्वेश्चन से आगे का जवाब दें ठीक है ना संस्कृत का लेकिन मेरे पूरा क्वेश्चन मिल गया है ठीक है ना अगर आप लोग के पास कोई क्वेश्चन आता है ठीक है ना जो एग्ज़ाम दे चुका है सोशल साइंस का अगर पूरा है तो भेज देना या नेक्स्ट डे जो एग्ज़ाम देगा चाहे जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसका हमको फोटो खींचकर मेरा व्हाट्सएप पर भेज देना मेरा व्हाट्सअप नंबर है सेवन सिक्स थ्री वन टू थ्री वन टू फोर फाइव क्या बोल रहे हैं बोल रहे हैं सेवन सिक्स थ्री वन टू थ्री वन टू फोर फाइव ये मेरा वाट्सअप नंबर है तुम लोग का जैसे एग्जाम होगा तुम लोग फोटो खींच के भेज देना उसका हम आंसर तुरंत दे देंगे ठीक है ना जो स्कूल में प्रारंभ नहीं हुआ स्कूल में प्रारंभ हो जाएगा चलो करते हैं स्टार्ट ठीक है ना हो सकता है तुम लोग को यही क्वेश्चन रहे सेम टू सेम तो तुम लोग को फायदा हो जाएगा ठीक है तो चलो करते हैं स्टार्ट और अभी तक तो जो मेरा जगदेव ब्लॉग कॉमेडी वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लो एक जिक के जी एस मस्ती है ठीक है ना उसको भी सब्सक्राइब कर लेना चलो करते हैं स्टार्ट चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है बोल रहा है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किससे होता है तो शिक्षा से होता है सब लोग जानता है शिक्षा से होता है ठीक है ना चलो अब देखते हैं वेदांत का छह अंग ठीक है ना ब्याज जियो नी सी कच्छ व्याकरण ज्योतिष निरुक्त कल्प छंद और शिक्षा छह गो है वेद तो जो है यह नित्य शास्त्र करना चाहिए कौन संधि है ना अगला क्वेश्चन तो जो है, है. है? तो है, है तुम्हारा हम अभी क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं कैसे हो रहा है तो इसके लिए वीडियो बना दिए जिसमें एक ही वीडियो में सारा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा हम समाप्त का ठीक है ना एक ही वीडियो में चाहे वो ग्रामर हो या तुम्हारा बुक से हो ठीक है ना जितनाटिव हो सकता है सब काम खत्म कर दिया उसका वीडियो हम पिन कर देंगे ठीक है? तो है ना तुम लोग जाकर देखो ठीक है ना चलो देखते हैं प्ले में जाना सब मिल जाएगा पुष्पा आश्रित का संधि विचर करो तो पुष्पा आश्रित का संधि विचर करने तो होगा पुष्प जोर आश्रित पुष्प यानी आगे आएगा ओ और आश्रित पीछे आएगा आ यानी ओ जोर आ यानी ए नंबर सही हो जाएगा राष्ट्रपति का विग्रह क्या है तो समास विग्रह करेंगे राष्ट्रपति तो होगा राष्ट्रस्पति यानी राष्ट्र का पिता यानी राष्ट्रस्पति ठीक है ना और इसमें खष्टी विभक्ति का यूज होता है ठीक है अगला क्वेश्चन है सम उपसर किस शब्द में नहीं है तो सम उपसर देखते हैं सम जोर कार इसमें भी है संभवम भवम सम जोर भवम सुगम सम जोर ये हो जाएगा अगम हो जाएगा तो इसमें भी है तो इसमें सी नंबर में सम उपसर्ग नहीं है ठीक है ना तो इसका सी नंबर हो जाएगा आगे देखते हैं ओ oh, सॉरी इसमें सम आचार हो जाएगा सम आचार हो जाएगा तो ये हो जाएगा लेकिन इसमें ना होगा ऐसा सू है क्या है सूत तो और सू आगम होगा इसलिए ना होगा ठीक है ना चलो इसका सी नंबर सही हो गया तरयनाम तो फलानाम समारा तो बोल रहा है इसका जब अथी करेंगे समस्त पद लिखेंगे तीनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या होता होगा त्रिफला क्या होगा और इसमें कौन समाज का युद्ध है तो द्विगु समास है कौन समासगू समास अगला क्वेश्चन देखते हैं पटना में किस किसके समय में कौमुद महोत्सव मनाया जाता था तो कौमुद महोत्सव या काल के समय में मनाया जाता था तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा ठीक है ना अगला क्वेश्चन है पटना का प्राचीन नाम कौन था तो पटना का प्राचीन नाम हम लोग को पता है कि कुसुमपुर पुष्पपुर कुसुमपुर पुष्पपुर पाटलिपुत्र सब क्या प्राचीन नाम है लेकिन मोरली मोदल मोद फलपुर नहीं है ठीक है तो सी नंबर हो जाएगा मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत था तो मेगास्थनीज जो है यूनान का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था हिन्न पात्रेन मुख्य यह बोरा किस मंत्र से लिया गया था इसका बी नंबर हो जाएगा ठीक है ना मेरे ख्याल से बी होना चाहिए ठीक है तो बी हो जाएगा चलो आंसर देखते हैं अगला क्वेश्चन मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है तो मंगलम पाठ में जो है कुल पाँच मंत्र है कितना मंत्र है पाँच तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं उच्चवाचस का संधि विच्छेद करें तो इसका होगा उच्च जोर आचस यानी इसका हो जाएगा बी नंबर सही क्या हो जाएगा तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा ठीक है ना उत्सु जोर आचस ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग सिंपल नाम सिंपल हो जाएगा इसमें अति अति जोर अधिक होगा तो अति हो गया उपसर्ग उपसर्ग आगे लगता है और शब्द के अर्थ को बदल देता है गोल गृह गोल गृहम शब्द में कौन समास है तो गोर गृहम समाज शब्द में गोल घर कैसा है तो गोल है यानी विशेषता बता सकते कर्मधारे होगा क्या होगा कर्मधारे होगा समास इस हम तुम लोग को काफ़ी अच्छा पढ़ा समाज हो गया संधि हो गया उपसर हुए सब काफ़ी अच्छा पढ़ा चुके हैं ठीक है ना अभी तुम लोग का सिर्फ बचा हुआ है ये वाला संस्कृत में तुम लोग पढ़ते बचा हुआ ठीक है ना पढ़ते तुम लोग को जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ते पूछता है अभी तुम लोग दिखाएंगे पढ़ते बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो तुम लोग मेरा एक वीडियो जरूर देखिए जाना संस्कृत का एग्जाम देना जाएगा तो ठीक है ना उसमें एक ही वीडियो जितना भी, 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 भी है आई है चाहे वो पढ़ते उड़ते हो या कोई भी ऑब्जेक्टिव हो उसका खत्म कर दिया एक ही वीडियो वो जरूर तुम लोग को देखिए जाना ठीक है ना काफ़ी काम करेगा ठीक है एक ही वीडियो में पूरा खत्म करिए इतना भीवी आई है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं निर्धारण में कौन सा विभक्ति है तो निर्धारण में पूछ रहा है कौन सा विभक्ति होता है तो निर्धार किसी का निर्धारित करेंगे तो कौन सा विभक्ति होगा ये बताना है निर्धारण में जो है वो खष्टी और सप्तमी विभक्ति ठष्ठी तो नहीं दिया होगा खष्टी यानी ष्ठी क्या हो जाएगा सप्तमी सही ठीक है ना अगला क्वेश्चन देखते हैं पृथक अव्यय में कौन सा विभक्ति होगा तो पृथक अव्यय पृथक का बोल रहा है अवयव के योग योग योगी जोड़ना था करण से करण से यानी तृतीय विभक्ति ठीक है ना यानी इसका ए नंबर हो जाएगा सही ठीक है अगला क्वेश्चन है पितरी किस शब्द का रूप है पितृरी जो मेरा है ये पितृ शब्द का रूप है ठीक है ना पित्रि या पितरिया इसमें कौन सा विभक्ति है तो इसमें तुम लोग को पता सकते सब विभक्ति है ठीक है ना और पितरा में तृतीया विभक्ति होता है ये सब तुम लोग को बता चुके हैं एक ही वीडियो में तुम लोग जाकर देखो तो खाद किस लकार का रूप है तो खाद जो है इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है तो जाएगा लोट लकार क्या हो जाएगा लोट लकार सी नंबर सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन जो है भवानी कौन सा स्त्री पड़ता है भवानी बोले या इंद्रानी बोले या वरुणानी बोले सब में होता है ढीं पड़ता क्या होता है ढीं पड़ता ठीक है ना अगला है खादनम में कौन सा पड़ता है तो खादनम में पूछ रहा है कौन सा पड़ता है बताना है तो लास्ट में अनम आएगा तो समझ आना लजूट पड़ता है कौन पड़ता है लजुट पड़ते यानी सी नंबर सही हो जाएगा अगला है तमप में प किस पद में है तमप पड़ते किस पद पड़ में है बताना है तो तमक जो है ये होना चाहिए तुम्हारा तमप ये शोभ नियम में किसमें होना चाहिए शोभ नियम में ये थोड़ा चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला है बीरेश्वर कैसा मंत्री था तो सिंपल बात है बीरेश्वर जो है मिथिला का मंत्री था जो क्या था दयालु था ठीक है ना आलसियों को भोजन देता था ठीक है न आलस आलसाला में आग क्यों लगाया गई थी सिंपल बात है परीक्षा लेने के लिए आलस्यों को परीक्षा लेने के लिए कौन आलस्य सच्चा है कौन नहीं है चिन्हित करने के लिए ठीक है ना अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो है संस्कृत साहित्य कैसा है तो संस्कृत साहित्य जो ये विपुल है ठीक है ना अर्थ ही नहीं है अर्थ तो होता है ठीक है अगला क्वेश्चन ब्रह्म दामलिका परिणय किसकी रचना है तो ये संस्कृत साहित्य से लिया गया है तो तिरुमलाम्बा की रचना है किसका है का ठीक है अगला क्वेश्चन है तुम लोग को गायंती देव किल पुरुषोत् शुरुतवात पद किस पुराण से लिया गया है तो ये लिया गया है विष्णु पुराण से ठीक है ये तुम लोग को जो है भारत माता जो है उससे लिया गया है ठीक है ना भारतीय धरा कैसी है तो सिंपल बात है भारतीय धरा कैसा है विशाल है कैसा है विशाल अगला क्वेश्चन है बाल टाप में कौन सा पड़ता है बाल जब टाप करेंगे तो जगह बालिका यानी हो जाएगा ये कौन सा तो ये मेरा हो जाएगा कौन सा पढ़ते तो है तो ये जगह स्त्री पढ़ते ठीक है ना टाप बालिका में टाप पढ़ते नम धातु के लोट लकार का रूप क्या होगा तो यहाँ बोल रहा है लिलुट लकार यानी भविष्य का तो भविष्य में जानते हैं सहती लगता है क्या लगता है यानी डी नंबर सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो है किम किस धातु में अन्यर पड़ता है बोल रहा है किस धातु में यहाँ बोल रहा है अन्यर क्या बोल रहा है अन्यर पड़ता है तो इसका आंसर हो जाएगा दर्शनियम यानी जिसमें अनि आएगा लास्ट में ठीक है ना जिसमें लास्ट में अनिम अनिम आएगा अनिम ठीक है ना वो हो जाएगा मेरा क्या अनियर पढ़ते ठीक है अगला क्वेश्चन है मनुष्य त्वम में कौन सा तदीत पढ़ते इसमें तो ऐसे पता चल रहा है त्वम लास्ट में तो इसमें हो जाएगा क्या मनुष्य मनुष्योत्तम तो इसमें हो जाएगा तव तो पढ़ते तवम तो है तो तव तो पढ़ते चलो अगला क्वेश्चन रहते हैं तवम तो आएगा तव तो तव तो पढ़ते तल पढ़ते किसमें तो सिंपल बात है देखो यत्र तत्र कुत्र बहुत्र अनत्र इस समय क्या है तो समय मेरा है तल तर पड़ते ठीक है ना तो कुत्र में नया है, ठीक है ना कुत्र होता तो हो जाता तो कुत्र है तो कुत् यहाँ पर जो नहीं है ठीक है जन्मपुर संस्कार क्यों किया जाता है तो जन्मपुर संस्कार किया जाता है सभी के लिए गर्भ के रक्षा के लिए गर्भ संस्कार हेतु गर्भवती महिला प्रसन्नता के लिए सभी के लिए हो जाएगा अगला क्वेश्चन है गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के बाद होता है तो गुरु घर यानी पढ़ाई लिखाई से जो होता है विवाह संस्कार के बाद क्या होता है तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है ठीक है अगला सोलह संस्कार है तुम तो लोग जानवे करते हो राज है लाया होम कर्मकांड किस संस्कार में ये थोड़ा हमको पता नहीं चल रहा है ठीक है ये ना ये हम देख लेना किताब में किसका व्याकरण प्रसिद्ध है तो हम जानते हैं पाणिनी जो है व्याकरण का क्या था जनक है यानी पांडनी हो जाएगा इसका कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है तो कृषि विज्ञान का पर्वत पर है ठीक है ना टू जीरो का खोज किया था और पाए का ब्राह्मही ब्राह्मही जो है ये खगोल विज्ञान का चरक जो है ये चिकित्सा का है ठीक है ना अगला क्वेश्चन मेरा है आज मानवता के विनाश का भय किससे होता है सिंपल बात है विध्वंसक अस्त्रों से ठीक है अगला क्वेश्चन जो है वो है करुणा से क्या होती है तो सिंपल बात है करुणा से क्या होगा करुणा से शांति मिलता है ठीक है ना और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था कर्ण हम जानते हैं कि कौरवों के पक्ष के युद्ध कर रहा था इसलिए कर्ण मारा गया था ठीक है ना दरातु दरातु किसका कथन है दरातु दराते ने दो दो तो किसका है सखर का है ठीक है ना और नो दातपियम नो दातपियम नहीं दो नहीं दो पूछेगा तो हो जाएगा सलय यानी वहाँ जो अस्त्री था कर्ण के दरबार में तो इसका बी नंबर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है पठन किससे बना है बोल रहा है यहाँ पठन किससे बना है ये बताना है तो जाएगा लयुट सो यहाँ देखो हाँ ये हो जाएगा पठ जो लयुट यानी जिसमें अन आएगा उसमें लजुट पढ़ते सॉरी इसमें लयुट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अन आ रहा है और लयुट में हो आता है क्या तो लयुट में आता है अनम लास्ट में आता है क्या आता है अनम ठीक है ना तो अनम आएगा तब लयुट होगा और अन लास्ट में आएगा तो होगा सत्री यानी पठ जोड़ सत्री हो जाएगा ठीक है ना अगला है पुरान ठक में कौन सा पुराण जोड़ ठक से क्या बनेगा तो बोलेगा पौराणिक तो पौराणिक कहाँ है देख लो पौराणिक यानी यहाँ पर है ठीक है ना पौराणिकम लास्ट में जोड़ दिया है लेकिन पौराणिक पौराणिक यहाँ पौराणिक लिखा है और यहाँ पर है पौराणिक ये वाला ये वाला होगा डी नंबर ठीक है पौराणिक ये डी नंबर अगला क्वेश्चन दाज और कतवा से क्या बनेगा तो बनेगा दातुआ यानी लास्ट में तवा आएगा ठीक है ना तो तवा बोल रहे सिर्फ तवा लास्ट में मोन आए तो हो जाएगा ये वाला ठीक है अगला क्वेश्चन है संख्या पूर्व दिगू का उदाहरण कौन सा है संख्या पूर्व दिगू का उदाहरण यानी संख्या किस में आ रहा है तो पहले तो स्थित घूनम में आ रहा है यानी ये वाला हो जाएगा ठीक है ना अगला क्वेश्चन मेरा है ऊ जोर ओ के मेल से क्या बनेगा तो ये बनता है वो ठीक है ना और यही रहता ई जोर ओ रहता तो बनता बनता मेरा यो जो मेरा यन यन पढ़ता है कौन है यन पढ़ते अगला है बसिद्धि चिर में कौन सा संधि है बोल रहा है वसुधि चित्रम तो इसका हो जाएगा बस जोर वस वसिधि चित्रम यानी इसका होगा बसद जोर अधिचित्रम ठीक है ना यानी इसमें व्यंजन होना चाहिए ठीक है अगला क्वेश्चन मेरा है राघव शिस्का्त संस्कृत पठती ठीक है तो बोल रहा है कि इस वाक्य में शिष्का्त पंच में पंचमी विभक्ति का जो प्रयोग किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है ठीक है तो राघव का शिक्षक जो है संस्कृत पढ़ा रहा है तो ये किससे लिया गया है तो इसमें भू प्रभव होना चाहिए थोड़ा हम कन्फ्यूजन है लेकिन ये होना चाहिए ठीक है ना अगला क्वेश्चन है किस कारक में पंचमी विभक्ति होता है तो हम जानते हैं आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होता है अगला क्वेश्चन मेरा है पृछति में कौन सा धातु है तो सिंपल बात है इसमें कौन हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा पृछ कहाँ पर है ये वाला हो जाएगा ठीक है ना अगला क्वेश्चन मेरा है फलम शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा तृतीया तो बोला है लेकिन बहुवचन बोले इसलिए फले होगा ठीक है ना तो उनको जानता है कि फलम जो है क्या है तो ये मेरा लिंग है नपुंसक लिंग जो है तृतीया से कैसे चलने लगता है तो ये चलने लगता है देव पर यानी राम पर चलने लगता है ठीक है ना नहीं तो नृत्यशुलक पाठ के आधार पर परम परमशरे क्या है तो परम परमशरे अहिंसा है क्या है अहिंसा है ठीक है अगला क्वेश्चन है अनर्थ का हनन किससे होता है तो अनर्थ का जो हनन होता है यानी निर्ंता का हनन किससे होता है तो निरंता का हनन होता है अकृति से क्या होगा तो इसका ए हो जाएगा सही अगला क्वेश्चन मेरा है छात्रा नाम मध्यनम तपा का उपदेश राम प्रवास राम को किसने दिया था तो उसका शिक्षक जो आया था बिकन टोला में यानी गुरु दिया था ठीक है अगला क्वेश्चन है राम प्रवेश राम किसके जीवन को परम गति मान का अध्ययन में जुट गया था तो उसका क्रम यानी शिक्षा क्रम में किया था और पूरा स्टेट में टोपर आया था ठीक है स्वामी दयानंद क्या थे तो स्वामी दयानंद स्वामी समाज सुधारक थे जिसका जन्म गुजरात के टंकरा ग्राम में हुआ था ठीक है ना और अठारह सौ पचहत्तर ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज का स्थापना किया था मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं तो यहाँ पर राम सीता के बारे में राम सीता और लक्ष्मण के बारे में इसका वर्णन किया गया और राम बता रहा है सीता को कि इसमें जो है निशिगन स्नान करते हैं हर वर्ष ठीक है अगला क्वेश्चन है जो चित्रकूटस पर्वत नामक के समीप है अगला है कथम मरात्मक तवई विश्वास ये लिया गया व्याग्रपथिक कथा से लिया गया व्याग्रपथिक कथा से लिया गया है और कथम मरात्मक तवई विश्वास पहले बोला था ये मतलब तब विश्वास करेंगे ये कौन बोला था तो हमको लगता है पथिक बोला था लेकिन थोड़ा इसके लिए हम कहानी हमको देखना पड़ेगा लेकिन ज़्यादा पथिक होना चाहिए अगला है गवे यानी गो शब्द किस विभक्ति का रूप है यहाँ बोल रहा है गवे यानि गो शब्द जो है किस विभक्ति का रूप है तो गवे जो मेरा है ये चतुर्थी विभ्यक्ति बच्चन है ठीक है ना सो चतुर्थी विभक्ति एक बच्चन हाँ तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा ठीक है और यही रहता तुम्हारा गोसू रहता है तो सप्तवी विभक्ति एक बच्चन होता अगला ओ जोर ओ के मेल से कौन सा वन बनेगा तो तुम लोग बता चुके हैं वृद्धि संधि में इससे बनता औ क्या बनता है औ बनता है ओ नहीं औ बनता है ठीक है ना आय रखना और ओ जोर आई के मेल से आई बनता है उपग्रामम का विगरा क्या हुआ था उपग्रामम का जब विगरा हुआ था वह ग्राम समीपम जहाँ उप नगर होगा तो समीपम मारना है ठीक है ना अगला क्वेश्चन है अगला बोल रहा है कि आपदान कारक में कौन सा विभक्ति होता आपादान है आपादान कारक में हमेशा पंचमी विभक्ति होता है जब कहीं से अलग होता है जैसे गंगा हिमालय से नहीं कहते तो गंगा हिमालयत तो अपादान हो रहा है अलगाव हो रहा है यानी पंचमी विभक्ति ठीक है ना अगला क्वेश्चन जो मेरा है राजन शब्द के तृतीय तृतीया ब... एक बच्चन बोल रहा है हम तुम लोगों को बताया कि क्या होता है राग्ञा राज और राजा और राजा का स्त्रीलिंग होता है राग्ञी ठीक है ना इसका राग्ञा हो जाएगा ठीक है उसके बाद पिता का पितरा होगा मातृ का मात्रा होगा ठीक है ना अगला राघव शब्द में कौन सा तद्धित पड़ते है तो इसमें हो जाएगा अन ठीक है राघव बोले यानी लास्ट में जो इसमें वो और विसर्गा ठीक है ना तो राघवा बोले या वैष्णवा बोले या मानवा बोले तो राघव वैष्णवा या मानवा तो उसमें हो जाएगा क्या तो हो जाएगा अन ठीक है ना अगला है परिच्छेद का संधि विच्छेद करेंगे संधि करेंगे तो क्या बनेगा परिच्छेद यानी ए नंबर बी नंबर बनेगा अगला क्वेश्चन मेरा है वो है प्रति एकम का विच्छेद करेंगे तो क्या होता होगा तो प्रति जोर एक तो प्रति जोर एक ये हो गया लास्ट में से मोह हलंत लग रहा है तो मोह हलंत लगा दिए यानी बी नंबर हो गया किंचित में कौन संधि है बताना है तो किम जोर अंचित तो आ रहा है मोहलंत इसलिए व्यंजन संधि होगा ठीक है अगला क्वेश्चन है मेरा किस समाज का पूर्व पद प्रधान होता था हम जानते कि अब विभाव समाज का पूर्व पर प्रधान होता है आगे क्या होता है तो आगे होता है उसका उपसर्ग यानी पूर्व पर प्रधान होता है ठीक है दोनों पर प्रधान किस में होता है द्विंद समाज में होता है अगला क्वेश्चन मेरा है कर्म कुशला का विगड़ा करेंगे क्या होगा कर्मणि कुशल ठीक है ना क्या होगा कर्मणि कुशल होगा अगला है संख्या दुगू सूत्र का उदाहरण कौन सा है संख्या दुगू सूत्र का जो उदाहरण है वो संख्या पूर्व द्विगु तो इसका उदाहरण तो जिसके आगे संख्या आएगा तो यहाँ सप्तपदी सप्त मतलब सात यानी संख्या द्विगु समास ठीक है ना अगला संस्कृत में उपसर्ग कितना तो संस्कृत में जो है चौबीस उपसर्ग अति बाईस उपसर्ग है कितना है हिंदी में चौबीस लेकिन संस्कृत में बाईस है ठीक है याद रखना किस शब्द में बी उपसर्ग है तो देखते हैं बी उपसर्ग किस में है तो यहाँ पर देख लेते हैं विद्यानम है विद्वान है विधु है इसका होगा विद यहाँ दो इसको तोड़ेंगे तो इसका होगा विद्या जोर आनम और इसको जब तोड़ेंगे इसमें जो है बी देखो सब में मेंजर आ रहा है लेकिन बी का हटाने देखो शब्द कहाँ बचा हुआ होगा तो बी का अचानने धाओ को शब्द ना है बी का अचानक धू को शब्द ना है बी का चाहने दुआन को शब्द ना है तो बी का चाचाने बात यहाँ बचा है धन तो धन क्या है शब्द यानी सी नंबर सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कर्ता के सर्वाधिक इच्छुक व्यक्ति को कौन कारक कहता है कर्ता के सर्वाधिक इच्छुत वस्तु यानी कर्ता के लिए जो सबसे अच्छा है राम आम खाता है राम क्या करता और आम किसके लिए इच्छुक है आम के लिए तो आम क्या होगा कर्म क्या अवगत कर्म यानी ए नंबर सही हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है मेरा किस पद में चतुर्थी विभक्ति है तो चतुर्थी विभक्ति जो होता है वो बताना है तो लताइये में जो है चतुर्थी विभक्ति है कौन सा चतुर्थी विभक्ति लताइए में है ठीक है लतिया में तृतीय विभक्ति होता है लतायाम में खष्टी विभक्ति है सी नंबर में खष्टी विभक्ति अगला क्वेश्चन रहता है किम सरनाम के सप्तमी विभक्ति का रूप <सबताँग> क्या होगा तो बोल रहा है किम सरनाम के सप्तमी विभक्ति का रूप क्या होगा तो इसका होता है तो सप्तमी विभक्ति में होता है क्या कस्मिन इसमें होता है कसम सप्तमी विभक्ति में होता है कश्मिन कयो केसु यानी प्रथम विभक्ति हो गया कयो द्वितीय विभक्ति केशु केसु विभक्ति बोलती हैं प्रथम वचन द्विवचन और तृतीय अति बहुवचन ठीक है ना तो कश्मीर हो गया प्रथम वचन सप्तमी सप्तमी विभक्ति ठीक है ना अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला जो मेरा है धा धाप धातु का बजलिंग लखा का रूप क्या होता है तो बेजलिंग में जानते हैं ए तताम ए यू आता है क्या आता है तो यहाँ लोग ऐता आया हुआ डी नंबर सही हो जाएगा तुम तो लोग को जाकर देखो हम लट लटलका लोट रखा काफी अच्छा है पढ़ाई संस्कृत में जाकर देखना ठीक है ना गायत्री शब्द किस धातु का रूप है तो गायती होना चाहिए गद्द ठीक है ना अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो है गम मतलब होता है जाना ठीक है न मंदम मंदम वायु पर्वती तो ये लिया गया है क्रिया विशेषण द्वितिया से यानी क्रिया विशेषण हो रहा है द्वितिया से ठीक है ना करने तृतीया का सूत्रकार निम्नलिखित में कौन वाक्य है कर्ण तृतीया का हो रहा है इसमें कौन वाक्य है तो करने तृतीया हो जाएगा सह पुस्तकें छात्र लिखते हैं जहाँ ए आएगा समझ ना तृतीया विभक्ति यानी ए नंबर हो जाएगा ये हो गया ये होता है जब को अंग से जब विकार उत्पन्न होता है तो उससे तृतीया विभक्ति होता है ठीक है ना तो ये नहीं होगा ठीक है ना तो ये हो जाएगा छात्र ज्ञातते ए नंबर से ही हो जाएगा अगला क्वेश्चन मेरा है वो है गंतुम में कौन सा पड़ता है तो देखो यहाँ पर आ रहा है तुम तो हो जाएगा तुमन पड़ता क्या क्या जाएगा तुमन पड़ते ठीक है ना अगला है किस पद में लयअप पढ़ता है तो लयब में देखो लयब के लास्ट में सिर्फ यो होगा बाकी बार कुछ नहीं होगा तो देखो परिजात में क्या है लास्ट में यो है यहाँ यो के बाद बिसर गए लेकिन यहाँ पर है तो ये नंबर सही हो जाएगा ठीक है ना अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है तेरासी है राजन शब्द का स्त्री रूप क्या होता है राजन शब्द का स्त्री रूप होता है रागी क्या होता है रागगी होता है याद रखना ठीक है ना और अगला क्वेश्चन नर्तकी कौन सा स्त्री पढ़ता है तो नर्तकी में जो स्त्री पढ़ते होता है वो है ढिंच ठीक है नर्तकी बोले या तुम लोग को भवानी बोले इंद्रानी बोले सब सब क्या था तो ढीं था ठीक है ना अगला क्वेश्चन देखते हैं तो नर्तकी में कौन हो गया ढींज पड़ते यानी ए नंबर सही हो गया अगला देखते हैं सहायता पद में किस तद्धित प्रत्यय से बना है तो ये बना है तहसील से यानी ये वाला हो जाएगा बी नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं शक्ति जो मतुप से कौन सा प्रत्यय बनेगा तो जैसे बनेगा शक्ति वान क्या बनेगा मतुप में अंत में वान आता है और बहुत सी आता है लेकिन वान वाला है देखना ठीक है ना और क्वेश्चन है पटना नगर के पालिका देवी कौन थी तो पटन देवी थी सब लोग जानते हैं पटन देवी कौन था पटन देवी था गुरु गोविंद सिंह का जन्म क्या हुआ था पटना साहिब यानी पटना साहिब में हुआ था ठीक है ना अगला क्वेश्चन जो है सिख का दसवा गुरु है अलग साल में आग लग जाने पारसी क्या कर रहे थे तो आरसी लोग जो था चार गो सो रहे थे आराम से सुकोम मतलब चुड़किया पकड़ के लिए बाला पकड़ के बाहर निकाला था ठीक है ना आधुनिक काल के संस्कृत लेखाओं में ले अति प्रसिद्ध कौन था तो पंडित छमा रोह कौन था पंडित छमाराओ अगला जो क्वेश्चन है वो है देशभक्ति समाज जान नाम इस पद की को विकल्प में दिए गए गोष भरना है तो ये अगर देशभक्ति कौन है देश का अच्छा रक्षा कौन करता है थोड़ा छेद करता है यानी सेरा करता है यानी बी डी नंबर सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है मरदानतंतरम यानी मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है तो वो होता है अंत्योष्टि सरकार ठीक है ना स, संस्कार होता है अगला है गोदानम तो गोदानम जो एक मुख है मुख्य क्रम है कि किस स्थान से यानी कौन संस्कार में आता है तो गोदानम आता है कैशांत सरकार में यानी सी आ जाएगा सही सही हो जाएगा अगला है सित्र उष्ण भय रति आदि से किसको डर नहीं लगता तो पंडित जो विद्वान होता है उसको किसी से भी डर नहीं लगता है पंडित मतलब पूजा पाठ करता है विद्वान लोग ठीक है ना अगला क्वेश्चन जो होता है स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में किसका निवार किया था तो क्या था सत्यार्थ प्रकाश के यह नंबर सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन जो मेरा है यानी पंचानवे क्वेश्चन पूछा गया ठीक है तुम लोग का एग्जाम जब भी होगा कोई दिक्कत न लेना है बारह या बीस तारीख के अंदर हो जाएगा तुम लोग का एग्जाम अब अगर देखो कल जिसका एग्ज़ाम है कल अगर किसी का एग्जाम है तो अपना प्रासना फोटो खींच के मेरे पास भेज देना हम प्रासना आंसर दे देंगे ठीक है ना क्योंकि यहाँ पर अभी एग्जाम नहीं हो रहा है बारह बीस के अंदर कब से होगा स्टार्ट नहीं पता है तो अगर किसी का हो रहा है तो जो एग्जाम होगा उसका फोटो मेरे पास भेज देना व्हाट्सएप में बता दिए थे फिर से बता देते हैं क्या था बताया था सेवन सिक्स थ्री वन टू थ्री वन टू फोर फाइव इस पर भेज देना ठीक है ना हम ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन दे देंगे जितना जल्दी उसके भेज देना ठीक है चलो मिलते हैं स्टूडियो में जय हिंद जय भारत जय जयरार तुम लोग जाओ प्ले लिस्ट में को संस्कृत का एक, एक दो वीडियो पड़ा हुआ जिसमें क्या है पूरा एकदम एक घंटा पूरा संस्कृत पूरा किताब को नोड़ के हम रख दिए थे तुम लोग जाके देखो ठीक है ना है तो उसका अभी हम स्क्रीन शॉट लेकर ओपन में लगा देंगे ठीक है चलो मिलते हैं स्टूडियो में जय हिंद जय भारत जय जयरार थैंक्स